आज की इस वीडियो में मैं आपको रेट्रो इफेक्ट कोरल ड्रामे क्रिएट करने का बताऊंगा कि आप किस तरह एक रेट्रो इफेक्ट कोरल ड्रामे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आप ये तफसील से जानना चाहते हैं कि रेट्रो इफेक्ट क्या है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं अनस कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने जाना है अपने कोरल ड्रा में, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ कोरल ड्रा 9 का यूज़ करूँगा, उसमें मैं आपको ये क्रिएट करना बताऊँगा। कोरल ड्रा 9 को ओपन किया। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये मैंने एक रेट्रो इफेक्ट की एग्जाम्पल रेडी की है अभी कुछ देर पहले। इस पर मैंने लिखा है अनस ग्राफिक्स सब्सक्राइब हेयर। ये एक रेट्रो इफेक्ट की एग्जाम्पल है। अब मैं इसी तरह की एक एग्जाम्पल आपके सामने ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जिसे आप भी समझ सकेंगे और अपने कंप्यूटर में ड्रॉ कर सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ यूट्यूब। इसे मैं थोड़ा जूम किया ताकि आपको क्लियर पता चले। इसका यहाँ से हमने फॉन्ट को ही चेंज कर लिया है, जैसे कि हमने लिख दिया है ये वाला। रेट्रो इफेक्ट के लिए फॉन्ट हमें बोल्ड फॉन्ट चुनने पड़ते हैं, अच्छे से अच्छा फॉन्ट। ये भी फॉन्ट अच्छा लग रहा है। इसे हमने बड़ा कर लेना है यूट्यूब। देखिए दोस्तों, इसे हमने करना है कंट्रोल के, इसे हमने थोड़ा बड़ा कर लेना है। इसे ले आना है इसके सेंटर में, सी कर लेना है इसे, और थोड़ा बड़ा करना है यहाँ लाके, इसे कर देना है सी। ओके, सेंटर में हो गया ये। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि इस सारे को कंट्रोल क्यू करके कंबाइन कर देना है। अब हमने इसमें कलर चूज करना है और इसकी आउटलाइन हमने दे देनी है वाइट। F12 करना है आपने इसकी आउटलाइन की, हमने थिकनेस बढ़ा देनी है, इसे कर देनी है 3.5। कोने गोल कर देने इनके, बिहाइंड फिल स्केल फिल स्केल विद इमेज, ऐसे कर देना है। अब हमने इसे यहाँ लेके आना है, इसे करना है डुप्लीकेट और इसकी हमने बढ़ा देनी है 6.57 कर देनी है इसके हमने। इससे हमने करना है शिफ्ट पेज अप, इसकी हमने आउटलाइन कर देनी है ओके ब्लू कर देनी है। इसे करना है शिफ्ट पेज अप इसे, और इसे बढ़ के सेंटर में ले आना है इसे। ओके, तो ये ऊपर वाला जो इफेक्ट है इसकी हमने एक और डुप्लीकेट बनानी है और इसकी हमने रख देनी है 5। और ये जो नीचे वाला है इसकी हमने थिकनेस कर देनी है 1.5। इसकी हमने आउटलाइन कर देनी है येलो। इससे करना है हमने शिफ्ट पेज अप इसे, और इसको कर देना है सेंटर में, और इसे और इसको कर देना हमने सेंटर में। इसकी आउटलाइन हमने थोड़ी कम कर देंगे, इसे लाना है 3।
और इसकी आउटलाइन भी हमने कर देनी है 5 पर। इसे दोनों को हमने सेंटर कर देना है और इन दोनों को भी हमने सेंटर कर देना है। ये येलो वाली जो है इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं कोई। ओके, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ये लगा दिया है। इसे हम कर देते हैं सेंटर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्टेप हम शुरू करते हैं। जैसे आप ये ऐसा क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने अब आपको करना क्या है, सबसे एंड वाला जो आपका टेक्स्ट है ना, मेरा ब्लू है तो मैं ब्लू को सर्च तो मैं ब्लू को कर रहा हूं। ओके, ब्लू ब्लू पे मैंने इफेक्ट करना है इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल। इस पे मैंने क्लिक करना है और इसे थोड़ा सा मैंने यहाँ की तरफ को, सॉरी ज्यादा हो गया, ओके यहाँ पे करना है। अब हमने इसको कर देना है यूज ब्रेवल नोट। इसे हमने यहां से कर देना है, कलर चूज कर देना है ब्लैक। ड्रैप फिल यहां से हमने कर देना है ब्लैक टू व्हाइट। ओके, इसे हमने थोड़ा नीचे किया इसे और इसे सीई किया। कंट्रोल जी, F12, इसकी थिकनेस हमने कर ली 4। CE किया, ओके। इसकी थिकनेस थोड़ी और कम कर लेते हैं हम। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा इफेक्ट शो हुआ है। अब हमने इसमें लानी है शेड। शेड को लाने के लिए हम इसको करेंगे अनग्रुप और कंट्रोल जेड किया। इसकी हमने यहां से रखा हमने इसको और यहां एक बॉक्स क्रिएट कर दिया रेक्टेंगुलर टूल की मदद से। इसको और इसको सिलेक्ट किया हमने और
न्यू कर दिया इसको, इससे कर दिया हमने डेल, और इसको हमने कलर दे दिया ओके। ऐसे ही हमने एक नीचे ड्रॉ किया एक इसको, और इसको हमने सिलेक्ट करके है दिया, और इसको हमने कर दिया 50% ब्लैक ओके। कंट्रोल आर किया और इसकी आउटलाइन को हमने खत्म कर दिया। ऐसे हम इस पे आए इसकी ये हमारा रेट्रो इफेक्ट रेडी हो गया है। यहां से हमने इसे कर लेना है सेपरेट बेल्ट, इसे वेल्ड कर लिया हमने। ओके दोस्तों, ये हमारा रेट्रो इफेक्ट रेडी हो गया है। आप इस तरह से कोई भी अच्छे से अच्छा रेट्रो इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे खूबसूरत और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं, और इसमें हम ड्रॉ करते हैं एक ड्रॉ करते हैं इसमें पॉलीगन टूल की मदद से एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और इसको हम करते हैं 3। इसको हमने थोड़ा सा लंबा किया और इसे नीचे ला के थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। इसे हमने किया सेंटर में, और इसको हमने यहां से रोटेट करना शुरू कर दिया। ये इसको हमने यहां पर किया, और इसको सबको यहां से हमने कंट्रोल जी किया, यहां पे हमने इसको कलर दे दिया है ये वाला कलर दे दिया हमने इसको, और इसकी हमने कम कर दी। इसको हमने F11 करके इसकी भी हमने रेडियल यहां पर जाके हमने शो को करा है, और यहां पर आके हमने शो करा है। ओके, अब हमने अपना टेक्स्ट उठा के इसके ऊपर कर लेना है। सीई देखिए कितना प्यारा टेक्स्ट क्रिएट हुआ है। इसी तरह से आप बेटर से बेटर रेट्रो टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसे और खूबसूरती लाने के लिए हम इसमें एक पॉलीगन टूल की मदद से ही एक स्टार ड्रॉ करेंगे, जिसके हम रखेंगे कोने 6, और इसको हमने यहां से बढ़के कर देना है थोड़ा छोटा। ठीक हो गया इतना। अब हमने इसमें कलर
कलर फिल करना है इसमें हमने वाइट वाइट कलर फिल किया, आउटलाइन को नॉन फिल किया, यहाँ से हमने इसे बिट मैप मार दी जेड से, और इसमें गए बिट मैप ब्लर एंड गाजियन ब्लर। यहाँ से हमने इसका प्रीव्यू चेक किया, ज़्यादा हो गया सॉरी, ओके इतना सही है। इससे हमने करा शिफ्ट पेज अप और इसको और इसको करके हमने कर दिया सी ई, इसे थोड़ा बड़ा किया, ये देखिए रेट्रो इफेक्ट हमारा तैयार हो गया है। ओके दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।